जी बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। और अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को। डिफरेंस इसलिए इस तरह है सबसे बड़ा कि ये पहली बार एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के साथ फ़ायदा ये होता है कि एक जो वो पेन पेपर और उसके वो सारे प्रोसेस में जो को ह्यूमन फैक्टर और ह्यूमन एरर का फैक्टर है, जो कि इतने बड़े एग्ज़ाम में होने के चांसेस जो उसका इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज हो जाता है, कम से कम हो जाता है, बट वर्चुअली वो नेग्लिजिबल हो जाता है। उसके रिकॉर्ड्स ज़्यादा सिक्योर होते हैं, उनकी एनालिसिस ज़्यादा सिक्योरली की जा सकती है, उन सवालों के जवाब को की रोशनी में आगे के बच्चों की प्लानिंग के लिए हेल्प मिलती है कि वो किस तरह जवाब दे रहे हैं, क्या ट्रेंड्स हैं। सो इस लिहाज से कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स अब दुनिया भर में स्टैंडर्ड हो चुके हैं और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और पहली बार इस स्केल पे किया जा रहा है। सर वेटेज के हवाले से बता दीजिए कि वेटेज क्या होगी। वेटेज जी इसमें 210 सवाल हैं टोटल, जिसमें बायोलॉजी के 68 होंगे, केमिस्ट्री के 56 होंगे, फिजिक्स के 56 होंगे, इंग्लिश के 20 और पहली बार लॉजिकल रीजनिंग के 10 सवाल, ताकि हम सोचें कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो छोटे छोटे मामलात हैं क्या हम उनका लॉजिकली उसको जवाब उसको उन मसाइल को हल करते हैं। सो लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा मौजू है जिस पे कि हम इस बार 10 सवाल ऐड असल में यानी कि एक जो कॉन्सेप्ट था कि रटा लगा लें और पास हो जाएं उसको भी इस मामले में आगे चल के कि उन वो जो मालूमात हमें किताबों से मिलती हैं उनको अप्लाई ज़िंदगी में कैसे किया जा सकता है और अपने उस साइंस को अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि मेडिसिन तो आगे सारा इसी एप्लीकेशन का नाम है। ठीक है सर, ये क्या जो क्राइटेरिया है कौन दे सकते हैं, इस हवाले से क्या चेंजेस किए गए? इसके लिए जी क्राइटेरिया तो ये है कि कोई भी पाकिस्तानी या ओवरसीज पाकिस्तानी या कोई भी स्टूडेंट जो 16 ईयर्स से ज़्यादा हो, उसके लिए उसके पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए या 12th ग्रेड क्वालिफिकेशन उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, जो हमारे FSC या उसका इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो, और 16 साल से ज़्यादा उसकी उम्र हो, वो बच्चा क्वालिफाई करता है इस एग्जाम देने के लिए। सही सर, ये जो बच्चे अब हम बच्चों के क्यूरियस की तरफ आ जाते हैं, बड़ी तादाद में बच्चों ने मैं इस हवाले से बात की और सवाल भेजे हैं कि बच्चे कुछ ये शिकायत करें स्मार्ट कार्ड के हवाले से, कोई आइडिया गलबन जेरो हो रहा है या उस पर अमल दरामद हो रहा है, बच्चों के पास आई डी कार्ड नहीं है। अब वो जैसे आप बता रहे हैं कि उनके पास एक जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, किस तरह से वो जो सर्टिफिकेट है वो मिल सकता है, बिकॉज अभी तो एग्जाम चल रहे हैं साथ साथ और हमने देखा बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। एग्जाम के मौके पर हम इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, एग्जाम देने के लिए ये होना चाहिए, लेकिन हम उस वक्त उसका सबूत नहीं मांग रहे। हम तो ये उनसे उस वक्त ये जो स्मार्ट कार्ड है ये एक शनाख्त के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में एक से ज़्यादा तरीकों से इस चीज़ की शनाख्त हो और कंफर्मेशन हो कि ये वही बच्चा है जो एग्ज़ाम देने आया है, जो कि एक्चुअली कैंडिडेट था। सो जो स्मार्ट कार्ड है वो शनाख्ती, व्हाट इज स्मार्ट कार्ड, ये जो आपका शनाख्ती कार्ड नेशनल आईडी कार्ड होता है, अगर किसी बच्चे को CNIC नहीं मिला और उसको अभी 16-18 ईयर्स का नहीं हुआ तो उसको एक स्मार्ट कार्ड इशू नादरा करता है। अच्छा वो तो बेफॉर्म बच्चे कुछ कह रहे हैं कि कुछ इलाकों में जाहिर है वो क्योंकि बेफॉर्म एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या एक फैमिली फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, उसकी बुनियाद पे होता है। अब कुछ बच्चों ने जाहिर है ऐसे इलाके में जिन्होंने ये अभी स्मार्ट कार्ड नहीं बनवाए और इसके लिए अभी हम जेरो हैं, हम बात कर रहे हैं कि क्या उसकी बजाय बेफॉर्म को ऑप्शन के तौर पर रखा जाए, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि बच्चे स्मार्ट कार्ड बनवा देंगे जो कि बरादरा से शनाख्ती कार्ड की तरह जिसका हसूल को इतना मुश्किल नहीं है, ताकि उनको शनाख्त पे वहां पे किसी किस्म की दिक्कत ना। सर गवर्नमेंट ने, हमने इस हवाले से बात की हुकाम के साथ, गवर्नमेंट ने जो सिलेबस था उसको रिवाइज किया, रिड्यूस किया, और चूंकि कोविड की सिचुएशन थी गवर्नमेंट ने कहा कि हम समहाउ रिलीफ देना चाह रहे हैं बच्चों के लिए, आसानी पैदा करना चाह रहे हैं। PMC का जो सिलेबस था यकीनन वो बहुत देर पहले ये डिजाइन हो चुका था, ये तैयार हो चुका हुआ था, क्या PMC भी कुछ हद तक रिलीफ देगा? गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि लूज मार्किंग भी होगी, पॉसिबली किसी को फेल भी नहीं करेंगे, क्या जो टेस्ट होगा MDCAT उसमें रिलीफ मिलेगा या वो नॉर्मल जो असेसमेंट होगी उसके थ्रू होगी? दो चीजें देखते हैं। पहली चीज ये है कि ये तमाम जो सिलेबस बनाया गया है इसमें IBCC से उसको वेट कराया गया है, ना सिर्फ ये पहली बार है, ए लेवल्स को IBCC के तमाम बोर्ड्स को उन सबको ऑन बोर्ड लेके उनसे क्लैरिटी लेके कॉमन सिलेबस की बेस पे बनाया गया है। दूसरी चीज ये है कि देखें ये कंपेटिटिव एग्जाम है, तकरीबन 19,000 सीटें हैं, इस वक्त तक 150,000 बच्चे से ज्यादा रजिस्टर हो चुका है। सो अगर आप हमें कोई ना कोई ऐसा मियार बनाना होता है कि हम देख सकें कि वो टॉप के 19,000 बच्चे कौन से हैं जिनको के दाखिला मिलना है, ये एक पास फेल का एग्जाम नहीं है, पास फेल से तो क्वालिफाई करने का मिलता है कि जी, तो वो एक लेवल एक सर्टेन डिफिकल्टी का इतना रखा गया है कि बच्चे पास होके क्वालिफाई कर सकें, लेकिन इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि बहरहाल ये एक एग्जाम है जिसमें से आप सबसे बेहतरीन 19,000 बच्चे सेलेक्ट करके उनको मेडिकल कॉलेज में दाखिल करने के ख्वाहिशमंद हैं और तमाम सोसाइटी भी यही चाहेगी कि सबसे लायक बच्चे आएँ।
सो उसमें एक सर्टन लेवल ऑफ डिफिकल्टी इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है कुछ सवालों में कुछ परसेंटेज, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें उन बच्चों को कि जो मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले। फिर उसके बाद बहुत हाई स्टेक होती है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में हैं, जहाँ सीटें और महदूद हो जाती हैं, उनके लिए मुकाबला और भी सख्त है। सो आप सिर्फ एक आसान एग्ज़ाम बना के और उसकी बुनियाद पर फिर ये मुवाजना भी नहीं कर सकते, कुछ एक्सेप्ट डिफिकल्टी।